अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सादिया फारूक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैंगो केक। आपको पता है जैसा कि आजकल आम का सीज़न है और हर एक का दिल चाहता है कि आम को डिफरेंट तरीक़ों से खाया जाए, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से आम का केक बनाना है। सबसे पहले हमने अपना स्पंज ले लिया है और उसको हम जो है वो शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको सोक करेंगे ताकि हमारा जो केक है वो मॉइस्ट बने। केक हमारा अगर मॉइस्ट नहीं बनेगा और ड्राई ड्राई बनेगा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मैंगो स्पंज की रेसिपी आपसे शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी। ये यहाँ पर हमने जो है वो अपनी मैंगो प्यूरी डाल दी है और मैंगो प्यूरी को भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे अपने केक के ऊपर ताकि इवनली जो है उसका टेस्ट आए। अब हम इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे चंक्स जो हमने मैंगो किस तरह कट करके रखे हुए हैं वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से ये चंक्स जो हैं वो खाने में बहुत मज़े के लगेंगे और आपको मैंगो का मज़ा भी आएगा। जहाँ पर आपको लगे कम है वहाँ पर हम थोड़े से और पीसेस डालेंगे ताकि हमारा केक पूरी तरह से टेस्ट दे। अच्छा, उसके बाद हम इसकी जो है वो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको रखें और इसको हम सोक करेंगे। शुगर सिरप से मैं आपको फिर कहूँगी कि अच्छी तरह से सोक कीजिएगा ताकि आपका केक जो है वो ड्राई ना लगे। इसके ऊपर अब हम बेकिंग डालेंगे। अब हमने जो है वो अपनी वन एंड नोज़ल ले ली है और उससे हम जो है वो कॉर्नर्स पर डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहें तो अपनी क्रीम में ऐड कर सकते हैं येलो कलर, मैंने ऐड नहीं किया, आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं।
इसके साथ ही हमारे पास जो है वो मैंगो के जो चंक्स बच गए थे उनको हम जो है इस तरह से